भारत सरकार के उपक्रम हाइड्रो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। बता दें कि अपने इस दौरे में प्रबंधक निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य के विकास में हडको की भागीदारी और भावी योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हडको के क्षेत्रीय कार्यालय में राज्य के विकास और हडको का योगदान अग्रेषित करने के लिए उन्होंने विभिन्न स्तर पर बैठक की है। इस दौरान हडको के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ ने कहा कि हडको उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूमि अधिग्रहण, सड़क, ब्रिज, रोपवे, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। हडको के प्रबंधक निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ ने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि अगले 5 वर्ष में हडको देश और राज्य के विकास में हर संभव सहयोग करेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो चुनौतियां हैं वही अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि उन्हीं चुनौतियों पर काम करके ही आपको सफल होना है। अगर चुनौतियां नहीं होंगी तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। भारत सरकार का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्यक्रम 2030 तक चल रहा है। करीब 340 लाख करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट होनी है। वो या तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, ऊर्जा से रिलेटेड हो, सड़कों से रिलेटेड हो, इसके बहुत बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। और हडको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के कारण बिल्कुल मध्य क्षेत्र में बैठी हुई कंपनी है, जिसके फाइनेंशियल रेशियोज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिनकी प्रेजेंस पूरे सारे राज्यों में हमारे ऑफिस हैं। और ऑफिस सिर्फ स्केलेटन स्टाफ नहीं है, उसमें बहुत सीनियर ऑफिसर्स दिए गए हैं। हमारे पास कंसल्टेंसी की व्यवस्था है। तो मैं इस टाइम को बहुत ही अपॉर्चुन टाइम मानता हूँ हडको के लिए, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है कि मैं इस जगह पर आया हूँ। और मैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से देश की प्रगति और राज्यों की प्रगति और हडको की प्रगति में कार्य कर सकता हूँ, हम सारी चीज़ें उस काम